स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम जून में आपसे मिले थे तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर खत्म कर दिया था। ठीक है, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपके सामने लेकर आए हैं। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। ठीक है, अपने घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सबसे पहले व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है, जरा एक बार इसे ध्यान से देखिए। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, ठीक है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम ध्यान दीजिएगा, फैक्टर इनकम पर फोकस कीजिएगा। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सो दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो हमने क्या बोला नेशनल इनकम के लिए, हमने बोला कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। पहला पॉइंट आपके लिए जरूरी है, फैक्टर इनकम। ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, कौन कमाएगा इन्हें, नॉर्मल रेजिडेंट्स, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। सेकेंड मेन कंसेप्ट जो आपको देखना है, ऑफ ए कंट्री, ठीक है, ऑफ अ कंट्री डूइंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये होती है आपकी नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री डूइंग द अकाउंटिंग ईयर। अब हमने बात की फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम क्या थी, इलेवंथ में भी कई बार बताया जा चुका है कि फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच इज पेड टू द रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो इनकम पे की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये थे आपके क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बदले जो प्रोड्यूसर आपको पे करता है वो आपकी फैक्टर इनकम कहलाएगी। लैंड के बदले क्या जाता था बताइए, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम क्या हो गई आपकी, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हो गई आपकी फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम होती है, यानी अर्न्ड इनकम, कमाई गई इनकम होती है। ठीक है, सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री डूइंग द अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज पेड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे आपके क्या होते हैं, फैक्टर इनकम होती है। लैंड के बदले रेंट पे होता है, लेबर के बदले आपको वेजेस, कैपिटल आपने दिया, आप बैंक से लोन लोगे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आपने रिस्क लिया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का तो उसके बदले आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी फैक्टर इनकम। आगे देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम दोनों अलग अलग चीजें होती है। फैक्टर इनकम तो मैंने बता दी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी को हम टुगेदर क्या बोल देते हैं, वेजेस एंड सैलरी को हम बोल देते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। दूसरी तरफ आइए, ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है भाई, गवर्नमेंट आपको क्या देती है, चैरिटी, डोनेशन, हेल्प, सब्सिडीज, ये सब गवर्नमेंट आपको देती है जो कि कौन सी इनकम कहलाती है, ट्रांसफर इनकम कहलाती है। वन वे ट्रांसफर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको देती है, इसके बदले गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही, गवर्नमेंट नहीं कह रही आपसे कि डोनेशन के बदले आप मेरा काम कीजिए आके, ठीक है। ट्रांसफर इनकम में कौन सी आती है, देखिए, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वृद्ध लोगों को जो पेंशन देती है ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, नॉन अर्न्ड इनकम है, कमाई की इनकम नहीं है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को बांटती है, ठीक है, उसके बदले कुछ नहीं लेती। तो बेसिकली जो फैक्टर इनकम होती है वो होती है अर्न्ड इनकम, कमाई गई, जिसके बदले आपने मेहनत की, जिसके बदले आपने परिश्रम किया और फिर आपने कमाया। जबकि जो ट्रांसफर इनकम है वो हेल्प के रूप में, सहायता के रूप में गवर्नमेंट आपको दे देती है। और सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम फैक्टर इनकम लेंगे, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस लेंगे, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेंगे। जो आपको सहायता के रूप में मिली, किसी ने आपकी हेल्प की, आपको दक्षिणा दी, डोनेशन दिया, चैरिटी दी, सब्सिडीज दी, ये आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, ये वन वे ट्रांसफर है, बायलेटरल ट्रांसफर नहीं है। जबकि जो फैक्टर इनकम बायलेटरल होता है, आपने किसी के लिए कुछ मेहनत की तब आपने उसको आप कुछ दिया, जबकि जो ट्रांसफर इनकम है उसके बदले आप कुछ नहीं देते, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, कुछ नहीं मिलता। ठीक है बेटे, तो फिर से देखिए एक बार, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम बता दी गई है, अब आ जाइए नॉर्मल रेजिडेंट्स पे, क्या होता है कि व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, भारत के सामान्य नागरिक कौन है। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उसे दो कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए,
ही ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन इंडिया फॉर वन ईयर, यानी कि वो भारत में पूरे एक साल रहना चाहिए। पहली कंडीशन, एक साल अगर वो भारत में नहीं रहा, नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट भूल ही जाइए, उस पर अप्लाई नहीं होगा नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कर देता है, पूरे एक साल भारत में रह लिया, तो दूसरी कंडीशन पर पहुंच जाइए। देखिए दूसरी कंडीशन, ही सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाए इन इंडिया, यानी जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर। प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देखिए प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, ठीक है, वर्क, जो काम वो करता है वो सारा उसका कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर, तब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर माना जाएगा, अदरवाइज वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन पूरी करनी है आपको, ही ऑर्डिनरीली, ठीक है, सामान्य तौर पर, सामान्य तरीके से भारत में रहना चाहिए, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, और साथ ही साथ उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, आर्थिक हित जो है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ किया जाना चाहिए, इंडिया के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से शायद आपको समझ जाए। मान लीजिए कोई फॉरेनर, मान लो कोई यूएस का पर्सन इंडिया के अंदर आया, लेकिन किस पर्पज से, स्टडी पर्पज से, तो स्टडी पर्पज से आया है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया, तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं खिलाएगा। या कोई और पर्सन आया, मान लीजिए श्रीलंका से कोई पर्सन आया यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, अपना इलाज कराने के लिए, तो इलाज कराने आया है भाई, सिंपल से प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट वो यहाँ नहीं करेगा डेफिनेटली, तो भी वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं खिलाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट आपको ध्यान रखना है कि ही ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन इंडिया अप टू वन ईयर, और साथ ही साथ उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ रहना चाहिए, इंडिया के अंदर रहना चाहिए। कुछ एग्जांपल देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के। पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। भाई कोई फॉरेन यूके की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इंडियन ही उसमें काम कर रहा है और वो इंडिया के अंदर ही है, तो इंडियंस है, एक साल इंडिया के अंदर रह लिया और इंडिया में ही है, वो काम बाहर जाके नहीं कर रहा है, इंडिया में ही कर रहा है, यानी कि उसका प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब काम इंडिया से रिलेटेड है, इसीलिए वो इंडिया का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरी तरफ आइए, फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा। देखिए एम्बेसी भारत की है, लेकिन वो लगी कहाँ हुई है, जापान में लगी हुई है, और जापानी ही काम कर रहा है, जापानी जापान में काम कर रहा है, लेकिन एम्बेसी इंडिया की, यानी वो इंडिया में रही नहीं एक साल, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट भूल जाइए इस केस के अंदर। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। भाई WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हेडक्वार्टर अलग अलग देशों में है, तो इंडिया में उसका कोई हेडक्वार्टर है मान लीजिए, और उसमें इंडिया का पर्सन ही काम कर रहा है, तो वो एक साल इंडिया में रह लिया डेफिनेटली, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, इंडिया का ही नागरिक है, सब कुछ काम इंडिया में। अब देखिए फॉरनर वर्किंग इन WHO इन इंडिया, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, WHO का ऑफिस इंडिया में है, एक फॉरेनर यूके का पर्सन यहाँ आकर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो 12 महीने यहाँ रहेगा, एक साल यहाँ रह लिया भाई, ठीक है, एक साल यहाँ पर रह लिया, लेकिन वो जो यहाँ से कमाएगा, जो अच्छा उसे पेमेंट कौन करेगी, WHO करेगी भाई, इंडिया तो पेमेंट कर भी नहीं रही, इंडिया उसे पेमेंट कर भी नहीं रही, WHO का ऑफिस है तो WHO देगी, बस वो इंडिया में रह रहा है एक साल, यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया से उसने कमाया नहीं, ना ही वो इंडिया में खाएगा, वो यहाँ से WHO की इनकम लेकर अपने देश वापस चला जाएगा, तो इसलिए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। थर्ड देखिए, लोकल पीपल वर्किंग इन IMF, वो पिछले पॉइंट की तरह ही है भाई, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ऑफिस भी इंडिया में और इंडिया का पर्सन ही उसमें काम कर रहा है, 12 महीने में इंडिया में रहेगा और इंडिया में इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसके बाद देखिए द जर्मन का है भाई, ये जर्मनी डायरेक्टर है और IMF के ऑफिस में काम कर रहा है, इंडिया में ही है, तो अगेन वही पिछले वाला पॉइंट ही हो गया, ठीक है, IMF इंटरनेशनल फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे फंडिंग करती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, इंडिया उसे सैलरी नहीं देता, बस उसका ऑफिस इंडिया के अंदर लोकेट है, तो इसका मतलब वो 12 महीने तो इंडिया में रह लेगा, पहली कंडीशन तो उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन क्योंकि IMF उसे पेमेंट कर रहा है और वो अपनी पेमेंट लेके अपने देश में वापस चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उसका प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट लेवल यहां ना रहकर अपने जर्मनी में रहेगा, जिससे कि वो भारत का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये हमने आज आपको बताया नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले पे की जाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम अलग है, ट्रांसफर इनकम वन वे होता है, हेल्थ, चैरिटी, डोनेशन, ये सब चीजें इसके अंदर आती है।
ठीक है, वन वे ट्रांसफर होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, ठीक है, फैक्टर इनकम भाई बायलेटरल होता है, मेहनत के बदले आप पे करते हो। फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के अंदर एक साल, और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, अगर वो स्टडी पर्पज से या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आया है तो फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। और फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, इंडिया का अगर इंडिया में ही काम करा है तो नॉर्मल रेजिडेंट है, कोई फॉरनर इंडिया में आके काम करा है लेकिन वो ऑफिस इंडिया का नहीं है, जैसे IMF हो गया, WHO हो गया, तो फिर वो इंडिया का रेजिडेंस नहीं कहलाएगा। देखिए एक टॉपिक और देख लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम भी हमने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम देखिए। सो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम, दोनों में डिफरेंस देखिएगा वेरी केयरफुली। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, अगेन फैक्टर इनकम का क्या होती है, टोटल होती है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of a country, within the domestic territory of a country, domestic territory यानी कि घरेलू सीमा, मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है, ये नक्शा हो गया भारत का, तो ये भारत है, this is India, तो इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। अच्छा अब एक चीज वो देखेगा, इंडिया के अंदर इनकम तो भाई हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं और दूसरे देश भी जनरेट कर सकते हैं, चाइना भी यहाँ का जनरेट कर सकता है, UK कर सकता है, US कर सकता है, जापान, रशिया, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वो इनकम हमारी टेरिटरी के अंदर बनी है, हमारी घरेलू सीमा के अंदर बनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम को बेटे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स यानी चाइना, UK, US ये सारे आकर भी कमाएं तो वो कहलाती है, ठीक है। तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स कमा रहा है, हमारी घरेलू सीमा के अंदर कमा रहा है, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। डजंट मैटर कि हम कमाएं या दूसरे लोग यहां से कमा के ले जाए, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो टेरिटरी के अंदर है, यहां ध्यान आपका होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, फोकस कीजिएगा, फोकस देखिएगा। आगे देखिए नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है। तो यहां फोकस था डोमेस्टिक टेरिटरी पर और यहां फोकस है नॉर्मल रेजिडेंट्स पर। यहां हमने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी में बनना चाहिए, चाहे हम कमाए या दूसरे देश कमाए, भाई चाइना आकर या इंडिया के अंदर कोई प्लांट लगा ले और कमा ले जाए, जबकि नेशनल इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स। अच्छा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, देखिए हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया से तो कमा ही सकते हैं और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कमा सकते हैं, भाई इंडिया के अंदर तो कमा ही सकते हैं, दूसरे देश से भी कमा कर ला सकते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, ठीक है, नेशनल इनकम है जो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों की डेफिनेशन, भाई डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घरेलू सीमा। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी को भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ताकि आपको समझ जाए क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब आइए एक बार डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी तो भारत की जो घरेलू सीमा पढ़ रहे थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली होती क्या है, क्योंकि हमने देखा डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा, ठीक है। तो टेरिटरी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी, ठीक है, पॉलिटिकल टेरिटरी, ठीक है, यानी कि राजनीतिक सीमा, और एक होती है इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि आर्थिक सीमा। इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट काफी लार्ज है, काफी वाइडर है। डोमेस्टिक टेरिटरी एक सीमित चीज होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी जो भारत का नक्शा मैंने बताया आपको, जो भी भारत का डिजाइन होता है नक्शे का, देखिए मुझे बनाना तो खैर आता नहीं है, इस तरह से होता है जो भी है, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो ये भारत की पॉलिटिकल टेरिटरी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल टेरिटरी में भारत के रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, सब कुछ काम करते हैं, या भारत के डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिटिकल टेरिटरी भारत का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, प्रशासन भारत का चलता है, भारत की राजनीति चलती है, ठीक है, ये आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी देखिए, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर फ्री मूवमेंट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल होता रहता है, यानी जहाँ हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और भारत के लोग फ्रीली आ सकते हैं और जा सकते हैं, वो भारतीय इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल होती है। इसका मतलब इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं, यूके में जो इंडिया की एम्बेसी है, यूएस में है, पाकिस्तान में है, जापान में है, कनाडा में है, वो सारी की सारी इंडियन एम्बेसी इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी। क्यों? क्योंकि उस एम्बेसीज को, भारत की एम्बेसी को, हम इंडियंस यहाँ से बैठ कर कंट्रोल करेंगे, अपना डिसीजन अपना निर्णय वहाँ पर लेंगे, सारे डिसीजन भारत के चलते हैं, इसलिए वो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल है। इसी तरह मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस का एक विमान है, भारतीय एयरलाइंस का एक विमान है जो कैनेडा से जापान के बीच चल रहा है, ठीक है, विमान भारत का है, कनाडा से जापान के बीच चल रहा है, भारतीय कंपनियों से बैठकर चला रही है, भारत का फ्यूली कंट्रोल वहां पर है, भारत के लोग जा सकते हैं, भारत की एयर होस्टेस, नर्सेस, ठीक है, पायलट वहां जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो टेरिटरी भी भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा मतलब यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी, भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में जो इनकम कमाई जा रही है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी कराएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी सीमित होती है, ये केवल भारत की घरेलू सीमा के अंदर ही आती है, भारत के नक्शे के अंदर ही आएगी, जबकि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो भारत के बाहर यूके, जापान, यूएस वहां भी आ जाती है, अगर भारत के लोग भारत के गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूवमेंट हो जाए, यानी कि इंडिया की जितने भी एम्बेसी, भारत के जितने भी दूतावास हैं अब्रोड में, यूएस में, यूके में, जापान में, वो तो सारे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.